आज हम लोग बात करेंगे कि जनरल स्टडीज जो पेपर है, खासकर बीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी मेंस 65 के, और उन सारे ही स्टूडेंट के समक्ष एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है कि हमें मेंस के जो जनरल स्टडीज पेपर है उसके प्रश्नों का सही उत्तर कैसे लिखें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, उन प्रश्नों के आंसर लिखने के क्रम में आप एक किस तरह से अप्रोच डेवलप करें ताकि आप बेहतर आंसर लिख सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आंसर राइटिंग की जो कला है, जो सीखने की प्रवृत्ति है, उस सीखने की प्रवृत्ति को हम प्रश्नों के माध्यम से ही सीख सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग एक विशेष कला है और जिन लोगों के पास ये कला होती है वो कम नॉलेज होने के बावजूद भी अपने आंसर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देती हैं और परीक्षा पास कर जाते हैं। परीक्षा के लिए आंसर लिखना और नॉलेज प्राप्त करना दोनों दो चीज़ है। इसलिए जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते हैं और पढ़ने का भी प्रयास करते हैं, तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि सबसे पहले तो आप सारे टॉपिक्स के जो मटेरियल्स है उसको कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करने के बाद आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है कि आंसर राइटिंग करने वक्त अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ ही आंसर लिखता है, खुद ही आंसर लिखता है और खुद ही उसको दो बार तीन बार चेक करता है, तो उसमें उसकी जो कमियां हैं वो कमियां उसे पता चल जाती है। और ख़ास करके जब आप एक स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से देखनी चाहिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है जो कि 64th बीपीएससी मेंस में पूछी गई है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला चीज कि चंपारण सत्याग्रह, राइट, और इसी के माध्यम से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, राइट। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण के किसानों द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया एक किसान आंदोलन था जो गांधी के शांति एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा की जो वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति थी उस पर आधारित था। ध्यान ये रखना है कि ये चंपारण सत्याग्रह पहले के जो किसान आंदोलन थे उससे बिल्कुल ही भिन्न था, क्योंकि किसान आंदोलन की प्रवृत्ति हिंसात्मक देखने को मिलती है और ये चंपारण सत्याग्रह जो है यह अहिंसात्मक आंदोलन था, यानी कि इस सत्याग्रह का जो बेस था वो अहिंसा एवं सत्य की जो रणनीति थी गांधी की, उससे गांधीयन रणनीति पर यह आंदोलन आधारित था। और इसलिए आप इंट्रोडक्शन लिखने वक्त इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि चंपारण सत्याग्रह एक विशेष प्रकार की किसान आंदोलन था जो गांधी के सत्याग्रह की रणनीति पर आधारित था और यह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में प्रारंभ होती है और इसका मूल मकसद था किसानों को तिनकटिया व्यवस्था से मुक्त करना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद दूसरा जो चरण है इसमें कि यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, राइट, यानी एक किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसको एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करता है, एक नया डायरेक्शन प्रदान करता है, आपको इस भी बात करनी है। और ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है और चूंकि स्पष्ट करना है तो हमें क्लियर कट केवल इसको अभिव्यक्त कर देना है कि इस तरह से ये चंपारण सत्याग्रह जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। लेकिन जब हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से 1917 ईस्वी में जब ये चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है
तो इसके पहले की स्थिति क्या है, राइट? तो इसके पहले की स्थिति को जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि 1885 से 1905 के बीच भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत उदारवादी युग या नरमपंथी युग की शुरुआत होती है। जो लोग संवैधानिक सुधार की मांग करते हैं उनका मेन लक्ष्य क्या है, भारत में संवैधानिक सुधार के माध्यम से भारतीयों के समस्याओं का निराकरण करना। 1905 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई प्रवृत्ति आती है उग्रवादी आंदोलन की, और जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का लक्ष्य जो है संवैधानिक सुधार से स्वराज्य के रूप में रूपांतरित किया, लेकिन स्वराज की व्याख्या को लेकर उनमें आपस में सहमति नहीं थी और सामान्यतः स्वराज्य की व्याख्या स्वशासन के रूप में ही की जाती थी, और जब ये भी विफल होते हैं तो 1908 ईस्वी में एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत होता है। लेकिन ये तीनों प्रवृत्ति, जो नरमपंथी प्रवृत्ति है, उग्रवादी प्रवृत्ति है और क्रांतिकारी प्रवृत्ति है, अगर ऑब्जेक्टिव रूप में हम देखें, वस्तुनिष्ठ रूप में हम देखें, तो ये तीनों ही प्रवृत्ति सामान्य रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं। तो इनकी विफलताओं के परिप्रेक्ष्य में जब हम चंपारण सत्याग्रह को देखते हैं तो यह रियल में एक निर्णायक मोड़ है। क्यों निर्णायक मोड़ है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत पहली चीज़ क्या होती है कि इसके अंतर्गत गांधी की सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत परीक्षण होता है, ध्यान ये रखना है। ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक निर्णायक मोड़ इस कारण से है क्योंकि गांधी ने अपनी जो सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति का निर्माण किया था, यह सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति अहिंसा एवं सत्य पर आधारित था। इससे सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति का गांधी ने चंपारण में अनुप्रयोग किया, इसका इम्प्लीमेंटेशन गांधी ने किया। और जब गांधी इस सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 1918 ईस्वी में चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी के सिफारिश पर चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित किया गया, और उस एक्ट के माध्यम से चंपारण के जो किसान थे उनकी जो मांग थी तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त करने की, उसे समाप्त कर दिया जाता है। और इस तरह से यह आंदोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है, और इस कारण से भी इसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखते हैं। दूसरी जो बातें यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि गांधी की जो सर्वसमावेशी राजनीतिक रणनीति थी उसके अंतर्गत गांधी ने एक ऐसी रणनीति डेवलप की थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में सारे वर्गों को समाहित करना है। क्योंकि अगर आप देखें चंपारण के पूर्व की राजनीतिक रणनीति को, तो चंपारण के पूर्व के जो राजनीतिक रणनीति थी और उस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत, खास करके अगर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक आधार की बात करें, सोशल बेस की बात करें, तो 1917 के पूर्व जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है में मुख्यतः उच्च मध्य वर्ग के लोग शामिल थे, और ये शिक्षित मध्य वर्ग का आंदोलन था। लेकिन गांधी ने ये थॉट डेवलप किया कि भारत की जनता गांव में बसती है, और जब तक हमारे आंदोलन में गांव के किसान, अशिक्षित मजदूर और दलित समाज के कमजोर वर्ग, जब तक सारे वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन में हम सहभागी नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार नहीं करेंगे, तब तक हम इस राष्ट्रीय आंदोलन को अपने लक्ष्य यानी स्वतंत्रता या स्वराज तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसलिए गांधी ने इस चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, और इसके माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरह से ग्रामीण भारत का केंद्र बना दिया, क्योंकि गांधी के आंदोलनों का केंद्र ग्रामीण भारत था।
अधिकांश जनता ग्रामीण भारत में निवास करती थी, और इसलिए गांधी ने जो परीक्षण किया उस परीक्षण के आधार पर अब गांधी ने गांव के अशिक्षित, अनपढ़, कमज़ोर वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, सारे लोगों को अपने आंदोलन के साथ गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, और इसने अंततः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई मोड़ प्रदान की। क्योंकि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद जब गांधी अगले आंदोलन की ओर जाते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि गांधी ने समाज के सभी वर्गों को अपने आंदोलन के साथ जोड़ करके और एक ऐसा सामाजिक आधार का निर्माण किया जिसका मुकाबला ब्रिटिश जो है अपनी सत्ता के माध्यम से नहीं कर सकते थे, उस आधार का नींव जो है चंपारण में पड़ती है, और इसलिए चंपारण सत्याग्रह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको ध्यान में ये रखना है कि चंपारण सत्याग्रह मूलतः एक किसान आंदोलन था, मूलतः एक कृषक आंदोलन था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस कृषक आंदोलन का चित्र जो है ये जो चरित्र है कृषक आंदोलन का, वो पहले के कृषक आंदोलन से क्वाइट डिफरेंट था, और इसी के माध्यम से गांधी ने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। एक बहुत बड़ी जो है निर्णायक डायरेक्शन है, निर्णायक दिशा है, जहां गांधी किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफल होते हैं। और बाद के आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि धीरे धीरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भागीदारी बढ़ती जाती है, और जब ग्रामीण भारत और किसानों की भागीदारी, आदिवासियों की भागीदारी, दलित वर्ग की भागीदारी, समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी, उच्च वर्ग की भागीदारी, सभी की भागीदारी बढ़ती है, तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार इतना व्यापक होता है कि अंततः हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसे हम निर्णायक मोड़ के रूप में देखते हैं वो यह है कि इसने गांधी को एक राष्ट्रीय राजनीति, ध्यान ये रखना है कि जब गांधी 1915 ईस्वी में भारत से दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो उस समय गांधी की कोई भारत में बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं थी, गांधी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद हम पाते हैं कि गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में जगह मिलती है, और धीरे धीरे गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं। तो गांधी के राष्ट्रीय नेता के रूप में जो उभार है, उस उभार की नींव हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में पड़ती है। क्योंकि आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद तुरंत ही खेरा सत्याग्रह में गांधी लीड करते हैं, और फिर अहमदाबाद मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों का जो आंदोलन था उसमें गांधी नेतृत्व प्रदान करते हैं, फिर रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं, और फिर खिलाफत एवं अशोक आंदोलन, और यहाँ आकर के गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर जाते हैं। और इसलिए इस राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधी का जो उभार है, उस उभार की नींव भी चंपारण सत्याग्रह से पड़ती है, और इसलिए भी चंपारण सत्याग्रह जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ है। इसके अलावा जो चंपारण सत्याग्रह है, इसने अंग्रेजों के समक्ष एक ऐसी राजनीतिक रणनीति प्रस्तुत किया जिसको हैंडल करना, जिसको रेगुलेट करना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज इस तरह के आंदोलन को किस तरह से हम हैंडल करें इसके बारे में उन्हें कोई अनुभव नहीं था, और इसलिए इस आंदोलन ने एक बहुत ही बेहतर वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत की, और इस कारण से इसे हम निर्णायक मोड़ मानते हैं, और इस तरह से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ है। इन सारी चीज़ों को लेकर करके आप इसके आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और लास्टली निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में जिस
वैकल्पिक राजनीति की नींव डाली गई। वह वैकल्पिक राजनीति अपनी निरंतरता भारतीय राजनीति में निरंतर दिखाती रही और अंततः गांधी के नेतृत्व में हम सफल होते हैं।